दतिया जिले के उन्नाव नरगढ़ में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में भांडेर विधायक रक्षा सतराम सरोनिया ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचकर वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वर वधुओं के परिजन, नाते रिश्तेदार एवं जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 31 कन्याओं के विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुए। भांडेर विधायक ने बरातियों की आगवानी भी की। खबर हरपल के लिए उन्नाव से राजकुमार शर्मा की खबर। सर, ये मुख्यमंत्री योजना के तहत जो शादियां हो रही हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चियों को? माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार और हमारे विधानसभा के हमारे पूरी विधायक विधायक मैडम के द्वारा 49,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। साथ में उनके विधि विधान से उनके विवाह संपन्न कराने के लिए हम लोगों के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मंडप वगैरह सजाए गए हैं, भोजन की व्यवस्था है और सारी चीज़ों की हम व्यवस्था देख रहे हैं। किसी प्रकार से किसी को ये महसूस नहीं होने दिया जा रहा है कि कोई गरीब है, उनका साथ सम्मान सबका शादी किया जा रहा है और आज हम लोगों के द्वारा चेक दिया जाएगा। सर, ये जो पंजीयन किया गया है बच्चियों का, ये निःशुल्क है या इनसे कोई शुल्क लिया गया? शुल्क नहीं है। इसमें 7 दिन पहले तक जो भी आवेदन हमारे पास आ जाते हैं उनको हम ऑनलाइन कर देते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने एक अच्छी सुविधा ये की है कि किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हो तो हमारे पास में 2 महीने के अंदर अंदर 10 तारीखें हैं शादी की, अलग अलग डेट पे जो जिस तारीख में सुविधा से शादी करना कर सकता है वो कर सकता है। अभी हम पिछले 26 अप्रैल से ये हमारा जनपद दतिया में 4th सम्मेलन है और आगे हम 5-6 सम्मेलन और करने जा रहे हैं। अभी जून में भी हमारे पास में 4 तारीखें हैं, 3 जून है, 18 जून है, 21 जून है, 28 जून है। तो अभी भी मतलब अगर कोई आगे भी शादी करना चाहेगा हम लोग उनकी शादी करेंगे। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये भी सुविधा दी गई है कि यदि किसी गांव में 5 जोड़े भी अगर कम से कम इकट्ठे हो जाते हैं हम उसी गांव में जाके भी उनका सम्मेलन में शादी कर सकते हैं। ये सुविधा सबके लिए दी गई है। सम्मेलन में सब जाति समाज की? बिल्कुल, ये सर्वधर्म सद्भाव वाला सम्मेलन है। यहाँ पे जाति या वर्ग देख के हम कोई भेदभाव नहीं करते। जो भी सम्मेलन में शादी करने का इच्छुक है उसका हम पंजीयन फॉर्म भराते हैं और उसके बाद में उनका हम सम्मेलन में शादी करते हैं। परेशानी आती थी कि कहीं नहीं कहीं सामान दिया जाता था तो उसमें परेशानी आती थी, लोग कहते थे कि सही सामान नहीं आया। इस बार मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि ये राशि तत्काल 15 दिन के अंदर बिटिया के खाते में जाएगी जिससे उनके माँ बाप परेशान नहीं।